Hello student, today we see the types of modulation. In types of modulation, there are three types of modulation, that is AM for amplitude modulation, FM for frequency modulation, and PM for phase modulation. Okay, so see the first, it is the amplitude modulation. The first point in that, the amplitude modulation method, the carrier is sine wave विथ अ फ्रीक्वेंसी एफ सी. ओके, इसमें जो कैरियर होता है वो साइन वेव होता है और फ्रीक्वेंसी एफ सी होती है. ओके, द कैरियर, सेकेंड पॉइंट देखो, द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज मच हायर दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. ओके, एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन में क्या होता है, जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है मॉडुलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से. ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, देखो द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज वेरीड इन प्रपोर्शन टू द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. ओके, जो भी कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो क्या होता है, वेरी होता है मॉडुलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ. ओके, फोर्थ है, देखो द एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय ट्रांसमीटर. ओके, ट्रांसमीटर से ही एम्पलीट्यूड मॉडुलेट मॉड्यूलेशन का सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है. लास्ट पॉइंट देखो, द इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन इट्स एम्पलीट्यूड वेरिएशन. ओके, जो भी इंफॉर्मेशन है वो किससे कंटेन में रहती है, एम्पलीट्यूड वेरिएशन के कंटेन में रहती है. ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है कैरियर की वो कांस्टेंट रहती है, और ये जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है किसमें यूज़ करते हैं हम लोग, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्टिंग एप्लीकेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन, दैट इज FM. ओके, इसमें फर्स्ट पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन में थर्ड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इज अ चेंज इन प्रपोर्शन विद द इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडुलेटिंग सिग्नल. ओके, इसमें जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैरियर की चेंज होती है विद इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉडुलेटिंग सिग्नल. नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखो, दस द फ्रिक्वेंसी कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन विल टेक्स प्लेस. FM में क्या होता है, जो भी फ्रिक्वेंसी में कॉम्प्रेशन होता है या फिर एक्सपांशन होता है, कॉम्प्रेशन मीन्स रिडक्शन, एक्सपांशन मीन्स क्या होता है, इंक्रीज. ओके, जो भी होता है वो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन से होता है. ओके, थर्ड है, द FM सिग्नल इज ट्रांसमिटेड बाय द ट्रांसमीटर and it carries the information in the frequency variation. Okay, again जो FM signal है वो transmitter transmit करता है, और ये जो information होती है वो उसमें क्या होता है, frequency variation में वो carry करता है. Okay, next है, the amplitude of carrier remain constant. इसमें amplitude जो है वो constant होता है, और ये TV sound और radio broadcasting और police wireless transmission में हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन. ओके, नेक्स्ट लास्ट देख लेंगे, दैट इज़ द फेज मॉडुलेशन PM. फर्स्ट पॉइंट है, देखो इन PM द फेज शिफ्ट ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरीड इन प्रपोर्शन विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलेटिंग सिग्नल. अभी इसमें क्या वेरी हो रहा है, जो भी फेज शिफ्ट है कैरियर सिग्नल का वो वेरी होता है अपने मॉडुलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ. ओके, द सेकेंड है, देखो द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर रिमेन कॉन्स्टेंट. इसमें जो कैरियर है एम्पलीट्यूड का वो कॉन्स्टेंट होता है, और दस द इंफॉर्मेशन इज कैरिड इन द फेज वेरिएशन ऑफ मॉडुलेटेड सिग्नल. इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी होगी, फेज वेरिएशन में कैरी होगी. ओके, द फेज मॉडुलेटेड सिग्नल. थर्ड है, देखो फेज मॉडुलेशन इज वेरी सिमिलर टू द फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. The only difference is that the phase of carrier is varied instead of varying the frequency. Okay? Phase में क्या होता है, phase of the carrier vary होता है, frequency में क्या होता है, frequency of the carrier vary होगा. Okay? और amplitude में क्या होगा, amplitude of the carrier vary होगा. Okay? अभी ये जो phase modulation है,
द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है. देन फेज मॉडुलेशन इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन. जो भी फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन को जनरेट करने के लिए आपको सिग्नल लगेगा वो हम लोग फेज मॉडुलेशन से क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. ओके लास्ट में देखो ये सभी वेव फॉर्म्स हैं. फर्स्ट है अपनी फर्स्ट वेव फॉर्म देखो ईएम सिग्नल है. बाद में ये जो सेकंड है वो है कैरियर सिग्नल. बाद में है नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड सिग्नल दैट इज एएम सिग्नल. ओके उसके बाद में देखो ये फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल है. उसमें क्या है देखो दोनों इसमें डिफरेंस है. जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन है उसमें क्या है, फर्स्ट अनमॉडुलेटेड कैरियर रहता है. ओके और जो एफएम है उसमें देखो नो फ्रिक्वेंसी चेंज मीन्स कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी फर्स्टली कैसी रहती है, सेम रहती है. बाद में क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, फिर से फ्रिक्वेंसी नो चेंज होता है, फिर बाद में मिनिमम फ्रिक्वेंसी चेंज होता है. ओके उसके बाद में लास्ट है पीएम पल्स सॉरी फेज मॉडुलेशन. उसमें देखो क्या हो रहा है, फर्स्टली अनमॉडुलेटेड कैरियर आ रहा है. ठीक है उसके बाद में थोड़े पार्ट में देखो क्या हो रहा है, फेज एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द कैरियर चेंज इन प्रोपोर्शनल विद द मॉडुलेटेड सिग्नल. ओके इसमें जो है हम लोग एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं, ईसी और ईएम. ओके और वाई एक्सिस में लेते हैं टाइम. ओके तो ये आपके जो डिफरेंस है वेव फॉर्म में ये भी आपको एग्जाम में पूछते हैं, एएम एफएम और पीएम सिग्नल के. ओके तो स्टार्टिंग में जो आपका सिग्नल है वो है बेस बैंड मॉडुलेटिंग सिग्नल फर्स्ट. सेकेंड है आपका कैरियर सिग्नल. ओके थर्ड है आपका एम्पलीट्यूड दैट इज एएम सिग्नल. और जो फोर्थ है वो है आपका एफएम सिग्नल. और फिफ्थ है आपका पीएम सिग्नल. ओके सो द टुडेज टॉपिक विल बी एंड. सो थैंक यू.